पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है, तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे ही कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है। और जब हम अच्छे से तप जाते हैं उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है। नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाता। वो सुख भी समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता है। उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना,
शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया, तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। 16108 रानी से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठ कर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा एक छोरी, 10 बेटे एक बेटी, भगवान कृष्ण की 16108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई, 177,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गई। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पता शंभू, मैं तेरी पता हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं गड़ी जावांगी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया, गला पकड़ रहा है, भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी, शिव को साध लिया, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है,